आज पुरुष ही नहीं, महिलाओं का भी सपना है अपने पैरों पर खड़ा होने का। मगर ऐसे में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो नौकरी नहीं बल्कि अपने दम पर कुछ अलग करने का न केवल अपना सपना संजोती है पर साहस भी जुटाती है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में रिवाइव एक ऐसा क्लिनिक है जिसे शुरू किया है एक युवा डॉक्टर लतिका दत्ता ने। लतिका ने एक छत के नीचे ही कई समस्याओं का समाधान खोज निकाला है। समस्याएं भी ऐसी जो आज हर शख्स के साथ जुड़ी है, मोटापा, तनाव, मूड खराब रहना या फिर सर्वाइकल और माइग्रेन जैसी कॉमन समस्याएं। दूसरों की समस्याओं का समाधान करने वाली इस डॉक्टर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो आज की हमारी खास महिला है डॉक्टर लतिका दत्ता। विमेन स्पिरिट के इस एपिसोड में आज हम आपको मिलवाएंगे जम्मू की एक ऑलराउंडर डॉक्टर लतिका दत्ता से। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर लतिका, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। तो लतिका, हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि लतिका से डॉक्टर लतिका बनने का सफर आपका कैसा रहा? वेल, अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा, चैलेंजिंग था। बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। लतिका एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। डॉक्टर लतिका जो है, जब क्लिनिक में आ जाती है या पेशेंट्स के साथ में होती है तो बहुत डिफरेंट सी पर्सनालिटी होती है। थ्रू आउट मेरा जो अभी तक का सफ़र रहा है वो फुल ऑफ चैलेंजेस ही रहा है, अगर मैं बात करूँगी। बिकॉज मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 40 से, जहाँ पे मेरे एक्चुअली मेरे नाम के पीछे लतिका के साथ डॉक्टर लगा था, वहाँ से स्टार्ट किया अपना करियर। और अभी जम्मू में आके भी कुछ हॉस्पिटल्स में काम करने को मिला है, फिर डॉक्टर चौधरी थे उनके साथ में काम किया है। अभी फाइनली जो है अपना क्लिनिक सेटअप किया है मैंने एक साल सवा साल से, तो अच्छा है, अच्छा रहा अभी तक का जितना भी है सफ़र मेरा। जी, आप एक नॉर्मल डॉक्टर से हटकर एक ऑलराउंडर डॉक्टर है, ये सब प्लान किया था या अपने आप होता चला गया? वेल, ऑलराउंडर डॉक्टर कहने के लिए थैंक यू सो मच, बट हाँ, ऐसे सच कुछ प्लानिंग्स तो नहीं थे। बट जब मैं डिग्री कर रही थी अपनी फिजियोथेरेपी की, उसी दौरान हम लोगों को एक लास्ट ईयर में सब्जेक्ट था योगा का, तो योगा का सब्जेक्ट था। बट बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता था कि योगा में इतना कुछ है करने को, प्लस हम उससे भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो फिजियोथेरेपी है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्सरसाइजेज से ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो योगा भी सिमिलर है। और हमारा बहुत पुराना जो है इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो, बस वहीं से एक इंटरेस्ट आ गया। और मैंने एक इसमें पीजी डिप्लोमा किया था जम्मू यूनिवर्सिटी से योगा का, प्लस फिर मास्टर्स किया डाइटिक्स एंड फूड मैनेजमेंट में, फिर कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से कोर्सेज कर दी चली गई। बस ये आप कह सकते हैं कि बस इंटरेस्ट जो है वो बनता चला गया। थोड़ा क्यूरियोसिटी है मेरी नेचर में कि इस चीज़ को करने से क्या होगा और कैसे फ़ायदा मैं अपने पेशेंट्स को पहुंचा पाऊंगी, तो इसके लिए ही मैंने, आप कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे से कोर्सेज करके अपने आप को इतना बना लिया है कि अभी मैं कोई भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं डाइट काउंसलिंग भी खुद करती हूँ। अगर कोई फिजियो का प्रॉब्लम रहता है कोई, तो उसके लिए भी मैं खुद ही यहाँ पे सबको देखती हूँ, योगा के लिए भी मैं देखती हूँ। प्लस कई लोगों के साथ अब तो ऐसा वेट लॉस जर्नीज बहुत हैं जो मैं यहाँ पे अब तक करवा चुकी हूँ, तो यही। जी, आपने अभी बताया कि आपने अपनी जॉब छोड़ी, तो जॉब छोड़ कर रिवाइव खोलने का प्लान कैसे किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा रहेगा कि मेरा एक फ्रेंड था, है अभी, जो मैंने कभी, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा सारे वर्किंग ही हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कई लॉयर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, बट एक फ्रेंड है जो कि एमबीए करने के बाद अपना उसने जब सेटअप किया, तो मैं बहुत टाइम के बाद उससे मिली, तो उसने मुझे बताया कि, मैंने उसको पूछा ये क्वेश्चन कि आपने क्यों चूज़ किया बिज़नेस करना, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों को मैं अपना एम्प्लॉय कर पाऊँ या कुछ। तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे वो मेरे दिमाग में भी था कि कुछ ऐसा करना है ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ, अपने जो भी मैं अपने प्रोफेशन में कर रही हूँ, लोगों को भी हेल्प मिले मेरे कारण से, इसके लिए चूज़ किया। प्लस बहुत बहुत फैक्टर्स हैं इसमें, एक फैक्टर ये भी था कि जब मैं डॉक्टर चौधरी के साथ काम कर रही थी तो सब लोग पेशेंट्स वगैरह पूछा करते थे कि मैम आपका क्लिनिक कहाँ पे है, तो मैं उस टाइम पे अपने एक कलीग के क्लिनिक में देखती थी पेशेंट्स को, तो
सब लोगों को यही बताती रहती थी कि मैं बेसिकली मैंने अपना करियर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं फ्री लांसर थी स्टार्ट में, काम तो तब शुरू किया था, बट फिर क्लिनिक का दिमाग में वहीं से आना शुरू हो गया, बिकॉज पेशेंट्स जब ज़्यादा पूछते थे कि मैम नहीं आप कहाँ बैठती हैं या क्या सर, बस वहीं से मुझे थोड़ा सा रहा कि स्टार्ट करना चाहिए अपना कुछ। जी, रिवाइव के बारे में आप कुछ डिटेल में बताइए कि यहाँ किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। सी रिवाइव में क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने जो छोटी छोटी सी डिग्रीज कर रखी हैं अपनी, उस कारण से मेरे पास हर तरीके का पेशेंट आता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी पेशेंट है मेरे पास, योगा के क्लाइंट्स आते हैं, डाइट काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास, वेट लॉस प्रोग्राम के लिए आते हैं। नॉर्मली अभी तो जैसे आजकल के टाइम में बहुत लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, तो आप ऑन द होल में बात करूँगी सब लोग, सब टाइप के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स भी आते हैं, बिकॉज मैंने ही स्टार्ट किया, बिकॉज मैं डॉक्टर चौधरी के साथ जब काम करती थी तो कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ मेरा मिलना जुलना होता था, तो उस दौरान लगा कि जम्मू में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी लोग अवेयर नहीं हैं और अवेलेबल नहीं है जम्मू में, तो बस अपना एक बोल सकते हैं ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी ही डिग्रीज के साथ में थोड़ा सा एक दो चीज़ें और ऐड करके यहाँ पे पोस्टनेटल और प्रीनेटल जो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला है, बट अभी टाइम लगेगा, मैं ये बात कर सकती हूँ। जी, जैसे कि आप एक ऑलराउंडर डॉक्टर हैं, आप कई चीज़ों में स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आपके कौन से हैं? इसका आंसर ऐसा रहेगा कि मिक्स्ड क्लाइंट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली के एक स्ट्रीम का मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट है। फिजियो के क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास, वेट लॉस के भी आते हैं, योगा कई लोग करना चाहते हैं वो आते हैं, डाइट के लिए लोग आते हैं, इवन अगर आप फिटनेस क्लासेस भी मैं लेती हूँ यहाँ पे, अब तो जैसे मेरा पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी अच्छा कर रही हूँ मैं उसमें भी, तो क्योंकि वेट लॉस अभी मैंने एक रिसेंटली एक फीमेल का जो है 28 kgs का वेट लॉस रहा है, तो सब तरीके के लोग आते हैं। जी, जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है, तो आपने जब जॉब छोड़ी तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई? डिफ़िकल्टीज तो खैर बहुत आई थी, बट सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि जैसे हर बार अकाउंट में महीने के बाद पता है कि पैसे डेबिट नहीं होते थे, क्रेडिट हो जाते थे, बट जब से मैंने अपना सेटअप किया तो क्रेडिट तो नहीं हुआ बट सिर्फ डेबिट ही होते रहे। प्लस एक शुरू से एक पैशन था अपना काम करने का, क्योंकि जब मैं 40s में काम करती थी तो ऐसा लगता था कि सबकी बात सुननी पड़ती है, मतलब आपको अपने सीनियर्स को सुनना पड़ता है, आपको अपने जो डॉक्टर्स हैं उनका सुनना पड़ता है, प्लस आप कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो अपने इतना कुछ होने के बावजूद भी, लाइक आपको पता है कि ये पेशेंट को मैं अगर दो चीज़ें साथ में देती हूँ कुछ ट्रीटमेंट में तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी, बट क्योंकि हम लोग जब जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या फिर जूनियर लेवल पे होते हैं तो हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ किसी भी डॉक्टर के साथ काम करने के या किसी भी हॉस्पिटल के साथ काम करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो बस यही चीज़ें हैं जिसने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि मुझे अपना क्लिनिक खोलना चाहिए। प्लस जॉब छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि रिस्क मैंने कुछ, मैं हमेशा बड़ी इंस्पायर रही हूँ कुछ कोट्स पढ़ पढ़ के, तो हमेशा ये पढ़ा है मैंने कि रिस्क नहीं लिया तो फिर आपका लाइफ में कोई बात बनती नहीं है, बस इसी को लेके शायद ये स्टार्ट किया मैंने। जी, एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन बनकर आपको कैसा लगता है? वेल, ये वर्ड ही बहुत अच्छा वर्ड है कि सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत कंप्लीट सी फीलिंग आती है, क्योंकि आप खुद की हेल्प तो करते ही हैं फिनेंशियली भी, और आप लोगों की हेल्प भी कर पाते हैं, प्लस क्या है कि आपको कई चीज़ें जो हैं मिलती हैं सीखने में, कि आपको जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है आपका, आप जैसे चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत बदल जाता है। आप मेरे लिए अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए फ्रीडम है ये, कि जो मैं चाहती हूँ अपनी स्पेस पे करना मैं कर पाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे जैसे हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, यंग क्लाइंट है, इवन एल्डरली क्लाइंट है, मिडल एज क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं फ्री, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग विद देम, बिकॉज क्या है कि मेरा अपना स्पेस रहता है और अपना ही एक फील है अपने काम का,
तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक फीमेल को इसी तरीके से बनना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज के टाइम में नॉर्मली हम लोग देखते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि हम लोग अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, या फिर हम अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं. तो अगर फीमेल्स बिजी होंगी तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं. जी, अभी रिवाइव और डॉक्टर लतिका को बहुत आगे जाना है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? खैर, ये तो अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है ये जो रिवाइव का है, अभी तो बहुत दूर जाना है अभी. बट ऐसा है कि एक स्टार्ट मिल गया है, और इसका अगर मैं देखूँ तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, लोग खुश हैं मेरे काम से. और अच्छा लगता है कि जब लोग आपके साथ मिलते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको मैं हेल्प कर पाती हूँ कम करने में, तो एक अच्छी फीलिंग रहती है. तो अभी तो मुझे लगता है ये एक पहला स्टेप लिया है मैंने, अभी तो माइल्स टू गो. आप डॉक्टर होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमने सुना है कि आप काफ़ी कुछ लिखती रहती हैं, तो इसमें कोई आपका खास इंटरेस्ट? जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं चाइल्डहुड से ही बहुत आप बोल सकते हैं कि कभी कुछ अच्छा सा पढ़ा करती थी तो मेरे को एक मैं डायरीज पे लिखा करती थी कि ये कुछ अच्छा जब भी पढ़ लेती थी. प्लस मुझे हमेशा से कोट्स बहुत पसंद आते थे. मैं स्टोरीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि मेरे को जैसे बड़े लोग एक्सपीरियंस अपना बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे मैं ज़्यादा बुकिश नहीं रही हूँ बचपन से, बट किसी के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीख कर या फिर वो जो कोट्स हैं वो पढ़ कर जो मेरे को मोटिवेशन मिलता है वो नॉर्मली कहीं से नहीं मिलता. तो आज के टाइम में मैं 9 या 10 ईयर्स से सोशल मीडिया के साथ हूँ, बस वहीं से एक इंटरेस्ट है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है आप लोगों के साथ बांटते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें भी फ़ायदा होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, कनेक्टेड सा फील होता है. बस यहीं से आप बोल सकते हैं इंस्पायर, बचपन से ही कई चीज़ें ऐसी की हैं जिसके कारण से थोड़ा कंटेंटमेंट वाला फीलिंग आता है. थैंक्स डॉक्टर लतिका एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक्स. तो वीमेन स्पिरिट के आज के इस एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड में हम आपको फिर से मिलाएंगे एक ऐसी ही महिला से.